हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे टॉमसन लॉ, जो कि एक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को बताता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो दो मॉलिक्यूल, दो सरफेसेस आपस में जब रब हो रहे हैं या फिर दो आपस में अटैच हो रहे हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उनको बताता है ये टॉमसन लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। जैसे दो मटेरियल है, ठीक है, दो मटेरियल पेयर आपस में टच हो रहे हैं तो उनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये मटेरियल है, ठीक है, कुछ रफनेस है इधर, ठीक है, और यहाँ पर एक मटेरियल है, इसका कुछ रफनेस, ठीक है। ये जब आपस में अटैच हो रहे हैं या फिर जब आपस में रब हो रहे हैं, ये मटेरियल वन है, ये मटेरियल टू है, तो इसके बीच में जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या होगा। ठीक है, इसका रफनेस मान लीजिए थीटा वन है, इसका सरफेस रफनेस मान लीजिए थीटा टू है, तो हम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे इसका। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मटेरियल पेयर, यहाँ पर बोला है ना कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एफ एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज। इलास्टिक प्रॉपर्टीज की बात कर रही है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। इलास्टिक प्रॉपर्टीज मतलब यंग मॉडुलस या फिर शियर मॉडुलस। ठीक है, ई एन जी, ई क्या होता है, यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, ठीक है, यंग्स मॉडुलस, और जी होता है शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी इसको यंग मॉडुलस या फिर इलास्टिक मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, और या फिर इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है, तो रिलेशन निकालेंगे कि ई जी और एफ में क्या रिलेशन होगा, और ये है हमारा एफ है, जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इन तीनों में रिलेशन निकालेंगे जब दो मटेरियल पेयर आपस में टच हो रहे हैं या फिर रब हो रहे हैं या फिर एक दूसरे के सरफेस पे टच हो रहे हैं, तो क्या रिले, जब सरफेस रफनेस दिया हुआ है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा उनके बीच में, ये हम निकालेंगे। ठीक है, रिलेशन, तो हमारे पास देखिए रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू होता है 1.07 थीटा वन प्लस थीटा टू। ठीक है, ये सरफेस रफनेस बताता है। ठीक है, थीटा वन प्लस थीटा टू, ठीक, ये होता है। ठीक, ये एफ की वैल्यू हो गई कोफिशिएंट, और यहाँ पर थीटा वन की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास, थीटा वन की जो वैल्यू होती है, थीटा वन की वैल्यू होती है, थीटा वन नहीं, ये जनरल थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 3e प्लस 4g अपॉन g इन ब्रैकेट 3e प्लस g। ठीक है, और यहाँ e क्या मतलब मैंने बताया, ये होता है इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस ऊपर में मैंने बताया, जी का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस। ठीक है, शियर मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस। तो डिफरेंट डिफरेंट ये दोनों फॉर्मूला को यूज करके हम कुछ क्वेश्चन कुछ मटेरियल, दो मटेरियल पेयर के लिए सॉल्व करेंगे कि क्या हमारा वैल्यू आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इलास्टिक मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ठीक है, ये हमारा ये था, ये जनरल था कि ये क्या होता है, जी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ देख लिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस दो दो मटेरियल का पेयर लेते हैं और सॉल्व करते हैं कि क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो जनरल वैल्यूज होती हैं वो कुछ ऐसे होती हैं, और मान लीजिए पहले हम क्लीन स्टील की बात करें, क्लीन स्टील की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए ई की वैल्यू होती है 30 m PSI। ठीक है, जी की वैल्यू होती है 12 MPSI। ठीक है, दूसरा हमारा एल्यूमिनियम के लिए वैल्यू होता है, ठीक है, इसमें से दो दो पेयर बनाएंगे और ई और जी की वैल्यू यूज़ कर करके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे कि दो आपस में दो पेयर ऑफ मटेरियल को यूज़ करें तो कितना कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है। ठीक है, जी की वैल्यू होती है 3.6 MPSI। ठीक, थर्ड मटेरियल ले ले रहे हैं टाइटेनियम, टाइटेनियम जो कि हाई वेरी हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस मटेरियल है। ठीक है, एल्यूमिनियम सॉफ्ट मटेरियल था, डक्टाइल मटेरियल होता है, क्लीन स्टील जिसमें आपका जो कॉम्पोजिशन है कार्बन का वो ज़्यादा होगा एज कम्पेरिजन टू अदर एलिमेंट। ठीक है, इसलिए इसको क्लीन स्टील बोलते हैं, और इस पर जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह उसको हटा देते हैं, इसलिए इसका नाम क्लीन स्टील बोला गया। ठीक है, ई की वैल्यू 15.5 MPSI। ठीक, और जी की वैल्यू होती है 6.5 MPSI। ठीक, अब दो दो पेयर लेते हैं और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या आ रहा है। ठीक है,
तो हम पहला पेयर ले लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट पेयर ले लेते हैं, फर्स्ट पेयर लेते हैं, फर्स्ट पेयर लेते हैं स्टील प्लस टाइटेनियम का, ठीक है। और देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ रहा है जब ये दो मटेरियल आपस में मिल रहे हैं। स्टील टाइटेनियम मतलब ये मान लीजिए ये स्टील है, ठीक, और ये मान लीजिए स्टील है, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारा टाइटेनियम है, ठीक। टाइटेनियम कुछ यहाँ पर सरफेस रेफरेंस है, यहाँ स्टील है, ये यहाँ टाइटेनियम को TI से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है, इसका θ1 हो जाएगा, ये θ2 हो जाएगा, ठीक है। सरफेस रफनेस देखिए, θ1 जब निकालेंगे स्टील के लिए, ये स्टील के लिए, फॉर स्टील के लिए, ये एज अ क्वेश्चन इसको मान लीजिए पेयर 1 एज अ क्वेश्चन, ठीक, एक क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है। दो पेयर लिए हैं स्टील का, एक पेयर लिए हैं, एक टाइटेनियम का पेयर लिए हैं, तो देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ रहा है, ठीक है। θ1 जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ऊपर में लिखा था 3e+4g/g, 3e+g ब्रैकेट में, ठीक है, तो 3e+4g/g, 3e+g, 3e+g, ठीक है, ये वैल्यू होती है थीटा की, ठीक। अब इस थीटा सारी ई और जी की वैल्यू रखेंगे, ई और जी की वैल्यू कितना थी, देखिए ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है स्टील के लिए, स्टील के लिए ई की वैल्यू है 30 MPSI, ठीक, और जी की वैल्यू कितना है 12 MPSI। तो स्टील का पहले निकाल रहे हैं, सारे वैल्यू को पुट करेंगे, 3 × 30 + 4 × g की वैल्यू है 12, अपॉन g की वैल्यू है 12, 3 × e की वैल्यू है 30 + g की वैल्यू है 12, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करने पर आएगा θ1 की वैल्यू जो आएगी, θ1 की वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी 0.1127, ठीक। वैसे θ2 निकालेंगे, θ2 टाइटेनियम के लिए निकालेंगे, टाइटेनियम के लिए, टाइटेनियम के लिए θ2 निकालेंगे, θ1 θ2 की वैल्यू रखेंगे और ये ऊपर वाले फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले में, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे, कितना फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये टाइटेनियम के लिए हो गया, ठीक है, θ2 निकालेंगे इसका, तो हो जाएगा 3, हमारे से पास सेम फॉर्मूला 3+4g/g (3e+g), ठीक है। तो टाइटेनियम के लिए हमारा ई और जी का वैल्यू कितना था, टाइटेनियम के लिए ई और जी, ई की वैल्यू थी 15.5, 6.5, 15.5 और 6.5। तो हमारे पास है ई की वैल्यू है, ये तो पहले निकाल लिया, ठीक है, इसको निकाल कर रख लेते हैं, ठीक है, ठीक, ये निकाल लिया है, और ई की वैल्यू है यहाँ पर 15.5 टाइटेनियम के लिए, और जी की वैल्यू है 6.5। सारे वैल्यूज को यहाँ रख लेंगे, 3 ई की वैल्यू 15.5 + 4 × g की वैल्यू 6.5, अपॉन जी की वैल्यू 6.5, 3 × e का वैल्यू 15.5 + g की वैल्यू 6.5, ठीक। तो यहाँ से θ2 निकाल लेंगे, θ2 सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा 0.21, ठीक। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब निकालेंगे टाइटेनियम और स्टील का, जब कॉम्बिनेशन था, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा वो निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, θ1 + θ2 पावर में 2/3 होती है, ठीक है, यहाँ पर ये छूट गया है, पावर में 2/3 होता है, ठीक, 1.07, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.07, 1.07 θ1 + θ2 पावर में 2/3। ये सरफेस 1 का, ये सरफेस 1 का S1, और ये सरफेस 2 का, ठीक, S2, ठीक। तो जब वैल्यूज θ1 थीटा वैल्यू, ये θ2 की वैल्यू यहाँ पर आई थी, ठीक, θ2 और θ1 की वैल्यू आई थी 0.1127, जिस θ2 की वैल्यू आई थी 0.21। तो वैल्यूज रखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 1.07 इन ब्रैकेट, θ1 की वैल्यू कितनी आई थी 0.1127, 1127, 0.1127 + 0.21 का पावर 2/3, ठीक है। सॉल्व करने पर हमारा जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आ रहेगा, 0.5034 ये आ गया हमारा कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जब स्टील और टाइटेनियम आपस में मिलाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर हुआ जब दो पेयर क्या लेते हैं, स्टील और टाइटेनियम लेते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि टॉमलिंसन लॉ क्या होता है, वो बताता है थ्योरी ऑफ मॉलिकुलर अट्रैक्शन के बारे में, कितना मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। फिर हमने देखा कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में और इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इलास्टिक प्रॉपर्टीज मतलब क्या, ई और जी में क्या क्या रिलेशन होता है। ई होता है यंग मॉडुलस, जी होता है शियर मॉडुलस, या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ई होती है इलास्टिक मॉडुलस, एफ होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है,
ये फॉर्मूला हमने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1.07 इन ब्रैकेट थीटा 1 प्लस थीटा 2 का पावर 2/3, और यहाँ से जो थीटा की वैल्यू होती है वो 3 + 4g / g इन ब्रैकेट 3 + g, ठीक है। इलास्टिक मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, और फिर हमने देखा कि स्टील के लिए क्या क्या वैल्यू, वैसे अलग अलग तरीके का पेयर बना सकते हैं, स्टील एल्यूमिनियम का साथ में बना सकते हैं, फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का बना सकते हैं, और फिर इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कुछ वैल्यू आएगी, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की उस वैल्यू, ऐसे ऐसे करके अलग अलग पेयर का बना के और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं जब यंग मॉडुलस और इलास्टिक मॉडुलस दिया होगा, ठीक है, दो मटेरियल का आपस में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।